नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खिलाड़ी अब और चुस्त दुरुस्त हो सकेंगे। आपको बता दें कि हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में स्थित गिरी सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में ही अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत उनके साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना भी दौड़ते नजर आए। ये सिंथेटिक ट्रैक 4,65,00,000 रुपए की लागत से बना है। सीएम ने कहा कि ये खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से अभ्यास कर खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 वर्ष तक की आयु वर्ष के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें किशोर अवस्था में ही खिलाड़ी अभ्यास करते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले खेलों की मेजबानी हरियाणा प्रदेश करेगा और इसका मुख्य केंद्र पंचकुला होगा। इस खेल महाकुंभ में देश भर से 12,000 से 15,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसके तहत करीब 20 तरह के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत नवंबर या दिसंबर माह में ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए अगले वर्ष के लिए इन खेलों की मेजबानी हरियाणा प्रदेश को मिली है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अभी से इनकी तैयारियों के लिए जुट जाएं, ताकि इन खेलों में वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। इन खेलों के सफल आयोजन में शिक्षा विभाग व खेल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इन खेलों में मेजबानी के साथ साथ विजेता बनने पर जोर रहेगा। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर लड़कियों की 100 मीटर व लड़कों की 400 मीटर की दौड़ भी करवाई गई थी। इसके अलावा स्वयं मुख्यमंत्री, कुलपति व अन्य अधिकारियों ने भी ट्रैक पर दौड़ लगाई। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बीच में नहीं यार। सर सिक्योरिटी थोड़ा सा, कैमरा सर थोड़ा सा, सर थोड़ा इस साइड आ जाए तो प्लीज फोटो सर आगे आ जाइए। सर जी साहब, थोड़ा आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, कड़े है। गंगा जी एक बार सामने आ जाओ, एक फोटो ले लो। सामने आ जाओ, उस साइड में, उस साइड में आ जाओ, एक फोटो ले लेते हैं बेटा। एक साइड में आ जाओ, एक साइड में आ जाओ सर। सर थोड़ा आगे आ जाइए। हां जी, अच्छा, हां जी, बस अब ठीक है जी। हां जी, नमस्कार, कैसे रहना ली? हाँ जी सर, करें डॉक्टर लेकर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में पधारने का स्वागत है। विश्वविद्यालय की खेल उपलब्धियों तथा खेल सुविधाओं के बारे में अवगत करवाएं डॉक्टर समर सिंह। रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, श्री कमलनाथ जी विधायक एंड उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, वैज्ञानिक व छात्रों, लेडीज एंड जेंट्स, प्रेसर, इसके लिए अनुदान भारत सरकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई है। कंपनी ने लगभग एक वर्ष में पूरा किया है। इस ट्रैक पर सभी गतिविधियां जिनमें विभिन्न दौड़ जैसे बाधा दौड़, रिले दौड़, फेंकने वाले खेल,
कूदने वाले खेल की इजाजत से यहाँ की कुछ उपलब्धियां व उन महान खिलाड़ियों के नामों का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। यहाँ ओलंपिक में भाग लिया, एशियन गेम्स में भाग लिया और भी कई तरह के गेमों में भाग लिया। मिस जगमती ने भी सियोल ओलंपिक में भाग लिया और सोल 1983 में रेसलिंग में भाग लिया। सुखवीर सिंह ने तेहरान एशियन गेम में भाग लिया। वर्ल्ड चैंपियन कर्मवीर सिंह जी रेसलिंग में रहे। यहाँ को उपलब्धियाँ रही हैं उनको अगर हम एक नज़र में देखें तो रेसलिंग में यहाँ के छात्रों ने एक बार योगा में भी विनर रहे और बास्केटबॉल में भी कबड्डी में भी फोर्थ पोजीशन में शोकेस रैकेट में। इस ट्रैक पर सभी प्रकार के इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, हमारे विधायक राष्ट्रीय गान के सम्मान। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.